रणबीर कपूर की सक्सेसफुल फिल्म एनिमल तो सभी ने देखी होगी। कैसे रणबीर का उसमें टॉक्सिक नेचर सामने आया है, किस तरीके से रणबीर कपूर ने उसमें क्रिमिनल का रोल किया और ये तमाम चीजें हुई घर में हो रहे टॉक्सिक माहौल के कारण। रणबीर ने जबरदस्त एक्टिंग की है और फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे परिवार में टॉक्सिक नेचर होने की वजह से, आसपास का वातावरण ठीक ना होने की वजह से, टॉक्सिक माहौल होने की वजह से रणबीर कपूर क्रिमिनल बन गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि असल जिंदगी में भी रणबीर के साथ इस तरीके का टॉर्चर हुआ है? जी हाँ, इसका जिक्र रणबीर ने फिल्म रॉकस्टार की रिलीज के वक्त किया था। अपने बचपन के सबसे दर्दनाक दिन के बारे में रणबीर ने बताया था कि कैसे उन्हें मेंटल टॉर्चर किया गया, उन्हें दिमागी तौर पर परेशान करने की कोशिश की गई। दरअसल रणबीर काफी छोटे थे जब उनके घर के माहौल के बारे में उन्होंने बात की और बताया कि माहौल बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ करते थे। दरअसल उनके माता पिता ऋषि कपूर और नीतू कपूर का रिश्ता कई उतार चढ़ाव से गुजरा। एक्टर ने खुद इस बात की जानकारी दी कि कैसे माता पिता के रिश्तों में खटास उन्होंने खुद देखी है, उनके घर का माहौल किस तरीके से टॉक्सिक हो जाया करता था और उनका रिलेशनशिप काफी ज्यादा बेकार था, इतना कि उनके बचपन में इसका असर उनके दिमागी तौर पर हुआ। रणबीर ने एक पल के लिए सोचने के बाद कहा कि देखिए, उस वक्त प्रेस से कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि मैं फायर जोन में था, मैं अपने माता पिता के साथ रहता था। रणबीर यहाँ अपने बचपन की बात बता रहे हैं जब वो कम उम्र के हुआ करते थे और अपने माता पिता के साथ रहते थे। रणबीर ने आगे कहा कि उन्हें उस दौर से गुजरते हुए मैंने देखा है और उन सभी चीजों का मैं खुद हिस्सा बना हूँ। साथ ही रणबीर ने यहाँ अपने घर के टॉक्सिक माहौल के बारे में भी बताया। रणबीर ने बताया कि मैं उस वक्त एक बंगले में रहता था, मैं ऊपर रहता था और माता पिता नीचे रहते थे। मैं ऊपर के फ्लोर में रहने के बावजूद काफी परेशानियों में था। मुझे याद है कि चार चार घंटे मैंने सीढ़ियों पर बिताए हैं और सीढ़ियों पर बैठकर रात गुजारी है। रात के 1 बजे से सुबह के 5 बजे तक घर में तगड़ी लड़ाई हुआ करती थी, चीजें तोड़ी जाती थी, हर कोई इससे गुजरता है। क्योंकि मेरे माता पिता सेलिब्रिटी थे इसलिए ये बातें छप जाया करती थी। यहाँ रणबीर कपूर ने अपने बचपन के सबसे दर्दनाक दिन का खुलासा किया जब रॉकस्टार फिल्म रिलीज हो रही थी, कि कैसे बचपन में अपने माता पिता के साथ रहकर उन दोनों के बीच में, यानी कि ऋषि कपूर और नीतू कपूर की लड़ाई के बीच में वो फंस जाया करते थे। घर में वो अकेले पड़ते, चार चार घंटे वो घर के बाहर की सीढ़ियों पर बिताते, रात भर सीढ़ियों पर गुजारते ताकि उनके माता पिता की जब लड़ाई खत्म हो तब वो घर के अंदर जा सके। माता पिता नीतू कपूर और ऋषि कपूर लड़ाई झगड़े में चीजों को भी तोड़ते थे, चीजें उथल फुथल होती, तेज आवाज आती और घर का माहौल काफी बुरा बन जाता। हालांकि बाद में बड़े होने के साथ ही रणबीर कपूर ने इस पूरे टॉक्सिक माहौल से निकलने के लिए अपने घर को अलग कर लिया, लेकिन रणबीर ने बताया कि उनका बचपन कितना ज्यादा दर्दनाक उस वक्त गुजरा था।